देखा गया कि जब कोरोना काल की शुरुआत हुई तो काफ़ी लोगों को दिक्कतें हुई, कई लोगों को अपने रोजगार से भी यहाँ हाथ धोना पड़ गया, तो वहीं कुछ लोग काफ़ी परेशान रहे, तो वहीं कुछ लोगों ने ऐसे में आपदा में अवसर भी तलाशे। हम बरेली के बीथरी चैनपुर ब्लॉक में आए हैं और यहाँ एक गांव में समूह के जरिए महिलाओं ने अलग तरह से इस आपदा को अवसर में बदला और यहाँ काफ़ी मेहनत करके यहाँ ये अपना एक उत्पाद तैयार कर रही हैं। हम इनसे बात करेंगे और आपको भी बताना चाहेंगे, आप भी देखें कि किस तरह से ये क्या कुछ यहाँ तैयार कर रहे हैं। मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम माला शर्मा है, मित्री चैनपुर से हूँ मैं, और हमारे यहाँ पे चार समूह काम कर रहे हैं भगवतीपुर में, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी इन्हें जो है इससे लाभ भी मिल रहा है। क्या कुछ ये बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे ये प्लान कैसे हुआ? ये जो है अब ये कोरोना में सभी लोग परेशान हो गए थे, प्राइवेट नौकरी वाले या प्राइवेट काम सभी, जब लॉकडाउन लगने से सभी परेशान हो गए थे, तो महिलाओं ने सोचा कि कुछ किया जाए, तो हमारे यहाँ महिलाओं को ये समूह सखी हैं, इन्होंने प्रोत्साहित किया कि हमें समूह को मिलकर कुछ करना चाहिए, तो ये इन्होंने कटीले तारों की मशीन लगाई है जो आप लोग देख चुके हैं, हाँ, तो इससे जो है इन्हें काफ़ी लाभ मिल रहा है और जाली के तार भी बन रहे हैं। मेरा नाम मृदुला देवी है, मैं समूह सखी हूँ। मैंने जब देखा कि औरतें बहुत परेशान हैं, काम करना चाहती हैं, और मुझसे बार बार कह रही हैं, 1 लाख 1.5 लाख के एयरफेयर में 1.5-1.5 लाख सारे समूह से लिया है मैंने, उसमें CCL भी था, CIF भी था, RF भी था। और इसमें प्रशासन भी मदद कर रहा है? हाँ, प्रशासन तो आप देख के गया तो मदद कर रहा है, यहाँ से हमारे ब्लॉक से भी दीदियों का सहयोग रहा, उन्होंने भी आगे बढ़ने के लिए हमसे कहा कि पैसा निकालो, काम चलाओ। आप CDO सर आए थे उस टाइम मीटिंग के लिए, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है और कहा है कि हम लोन कराएंगे आपका लघु उद्योग से और काम जारी रखें तो और बढ़ाएंगे आपका। ये जो हम देख रहे हैं, जो आप तैयार करा रहे हैं, इसकी मार्केटिंग किस तरह से होती है? मार्केटिंग सर ऐसा है, यहाँ के गांव वाले भी लेते हैं खेतों के लिए, और हमने जो भुता में एक दुकान खोल रखी है वहाँ से भी हमारी सेलिंग होती है, और कुछ माल अब हमारे ब्लॉक के स्तर से भी कह रही हैं मैम उठवाने के लिए, सर ने हमें मदद दी है। मेरा नाम संगीता देवी है, मैं गौरी महिला स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ, ग्राम भगवतीपुर बिथरी चैनपुर की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ आने से पहले मैं कुछ दिन चेन्नई में रही थी अपने हस्बैंड के साथ में, वहीं पर मैंने कटीले तार की और इसकी जाली बनाने की इसकी सबकी ट्रेनिंग वहीं पर ले ली थी, जो कोरोना काल में हम चार समूह की औरतों ने मिलके शुरू किया। इसके लिए हमें जो हमारी ब्लॉक मैनेजर कत्ता मैम है, उन्होंने काफ़ी उत्साहित किया कि काम कुछ काम करो, आगे बढ़ो, आपका हमारा हौसला थोड़ा बुलंद हुआ। चार समूह की दीदियों को समझाया, कुछ मशीनें चलाने के लिए ट्रेंड किया, उसके बाद काम शुरू कर दिया। अब कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है और सभी को किस तरह से फायदा हो रहा? हमें थोड़ा प्रशासन से थोड़ी और हेल्प की ज़रूरत है, अभी जाली का काम, कटीले तार का काम हम चला रहे हैं, इसमें हमारी दीदी थोड़ा हेल्प में लगी हुई है, माला दीदी है, कप्तान मैम है, ये दोनों हमारी मतलब हेल्प भी कर रही, समूह सखी भी। कच्चा माल आप लोग कहाँ से लाते हैं, किस तरह से, और किस तरह से फिर आप इसे? कच्चा माल तो अभी ज़्यादा पैसा ना होने की वजह से हमें थोड़ा थोड़ा यहीं से लोकल उठाना पड़ रहा है, गाजियाबाद से, जैसे दिल्ली से। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा तो हम डायरेक्ट मिल से माल उठाएंगे, हाँ, छत्तीसगढ़ से अपनी गाड़ी भराएंगे तो हमें कुछ ज़्यादा ही मुनाफा होगा, लेकिन पैसा ना होने की वजह से थोड़ा छोटा ही माल मंगा रहे हैं। सभी को फ़ायदा इससे हो रहा है? हाँ, सभी दीदियों को फ़ायदा हो रहा, तभी तो दीदियाँ आगे आएंगी बढ़ के। तो आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी मेहनत सभी लोग कर रहे हैं। आपसे हम समझना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम प्रीति कुमारी है, मैं समूह की सचिव हूँ, और ये दीदी ने ये काम स्टार्ट किया है, उसी पे हम लोगों ने मतलब साथ में सहयोग देकर ये काम सीखने की कोशिश कर रहे हैं और काम कर रहे हैं इनके साथ। तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे, जिस तरह से क्योंकि कोरोना काल में देख रहे हैं काफ़ी लोग परेशान रहे, हाँ, तो कोरोना काल में ही ये काम हम लोगों ने स्टार्ट किया है, मतलब अब हम इससे कोई भी जैसे काम करेंगे तो मुनाफा मतलब आगे हम लोगों को होगा, और ब्लॉक के लोगों का काफ़ी हमारे लिए सहयोग रहा है, और अभी हम ये काम स्टार्ट कर रहे हैं, चल रहा है हमारा काम। तो जैसे आप ये काम करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी देवी है, मैं ग्राम भगवतीपुर की रहने वाली हूँ। मेरा समूह का नाम है गौरी महिला स्वयं सहायता समूह, और मैं यहाँ काम कर रही हूँ। अभी तो काम चला हुआ है और ज़्यादा चलेगा उसी मुनाफा होगा, अभी शुरू हुआ है ये काम तो। मेरा नाम कविता गंगवारी है, मैं ब्लॉक मिशन में प्रबंधक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिथरी चैनपुर। महिलाओं को कुछ रोजगार चाहिए था, तो मैंने एक प्लान किया है कि इनको
समूह के माध्यम से फंड करा के इस काम को शुरू कर दिया जाए। तो वहाँ पे जो समूह में हमारे आरएफ आता है 15,000, सीआईएफ आता है 1,10,000 और प्लस सीसीएल हमने करवा दी वहाँ पे। तो धीरे धीरे एक समूह ने काम स्टार्ट किया था, जो आज की डेट में हमारे 5 समूह जुड़ चुके हैं। वहाँ पे 3 टाइप की मशीन लगी हुई है, एक गार्डन की जाली बनाने की, एक नुकीले तार वाली और बिजली के वायर की। जो अभी मेन काम चल रहा है वो कटीले तार वाला अभी महिलाएं करना शुरू कर दी हैं, क्योंकि फंड जो हमारा अभी था 7-8 लाख रुपए लगभग लगा दिया है उसमें, और 36 महिलाएं काम कर रही हैं उसमें। इस तरह से काम चल रहा है और महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। मेरा नाम पुष्पा देवी है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी है 62 साल। अच्छा, आप 62 साल की हैं और हम देख रहे हैं तार आप लोहे का बनवा रही हैं, कैसे? क्यों, क्या करें, पेट के वजह से सभी काम करना है ये लॉकडाउन में। ए, बच्चे हैं वो परेशान है, हम हैं वो परेशान है, तो दो रोटी का तो हिल्ला करना ही है। तो घर में जो बाकी लोग कोई नौकरी वोकरी कर रहे हैं या सब कुछ जिम्मेदारी आपकी है? नहीं, नौकरी नहीं, मजदूरी करते हैं सर। अच्छा, हाँ, फायदा हो रहा है बहुत, ये इतना पेट तो पल लिया है। सरकार के लिए क्या कहेंगे? सरकार के लिए ये हमारा काम जितना तेजी से चलेगा उतना हमें फायदा मिलेगा। अरे हमें तो सरकार से ये है कि थोड़ी अगर हमारी मदद कर देंगे तो हमें सहयोग मिल जाएगा, तो थोड़ा सा और आराम हो जाएगा हमें। तो देख सकते हैं बरेली में जिस तरह से स्वयं सहायता समूह के द्वारा यहाँ सभी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, उससे कहीं ना कहीं एक शानदार मैसेज भी समाज में जा रहा है। वहीं समझा जा सकता है कि जहाँ आपदा में लोग परेशान थे, वहीं बरेली के इस गांव में आपदा में अवसर महिलाओं के द्वारा तलाशा गया है। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी भारत, बरेली।